गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो हम इसे हेडिंग डालेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और इसको हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस। हेलो। सर हाँ मानो, आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में एनालिटिकल ट्रीटमेंट। मतलब मैथमेटिकल कंडीशन क्या है इंटरफेरेंस की, क्या क्लास में हो गया है? हाँ सर यस सर ठीक हो गया। तो मैं दो वेव्स ले लेता हूं और उनके इंटरफेरेंस से, जो कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से करते हैं, ट्रेंड फाइनल कंडीशन लेके आते हैं। तो अभी मैं सिंपल हार्मोनिक वेव्स ही ले लेता हूँ। लेट अस कंसीडर। तो सिंपल हार्मोनिक वेव्स ये, लेकिन बाकी किसी भी वेव के लिए सही है हार्मोनिक वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। मान लो न्यू मान लेते हैं। हाँ, विद सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। लेट दीज वेव्स बी तो y1 इक्वल टू a1 साइन। अगर आप सिंपल हार्मोनिक वेव्स ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ct - x। ऐसे दूसरी वेव y2 इक्वल टू a2 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ct - x। और इसमें कोई पहले और दूसरे वेव में हो सकता है थोड़ा फेज का अंतर हो, तो -π कर दीजिए। हियर बताए थे फाइव क्या है। हियर फाइव इज द फेज एंगल, मतलब फेज डिफरेंस है दोनों वेव में, आगे पीछे चल रही होंगी थोड़ा। और इसके हिसाब से दूसरी वेव में हमने -π किया है बच्चों, तो इसका मतलब दूसरी वेव पीछे चल रही है। फेज एंगल तो कैसे इसको पूरा करें, बाई विच द सेकेंड वेव लेट्स बिहाइंड द फर्स्ट वेव। लेट्स बिहाइंड द फर्स्ट वेव। और a1 a2 उनके एम्पलीट्यूड है ऑल्सो। a1 एंड a2 आर देयर एम्पलीट्यूड्स।
हमने तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं दोनों वेव्स पर, तो लिटेरेरी लाइन से अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द मैग्निट्यूड रिजल्ट ऑफ रिजल्टेंट वेव, द मैग्निट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव तो वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो ये आपके पास हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, वन साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स प्लस ए टू साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स सी टी माइनस एक्स माइनस 5। ठीक, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है मानवेंद्र? वाई फुट ए वन टू पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स, ये तो ठीक है इतने रेट प्लस ए टू, इसको हम ए समझ देते हैं पूरे को, दूसरा बी है, मालूम है या नहीं? हाँ साइन ए माइनस बी का मतलब होता है साइन ए क्रॉस बी माइनस क्रॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो पहला एंगल ए समझ लो, दूसरे को फाई को बी समझ लो, ये ए है समझ लो। अब बता सकते हो क्या होना चाहिए? साइन ए माइनस बी समझ लो उसको, तो साइन ए मतलब 2 पाई अपॉन लैम्डा टू बी फाइव टी माइनस सी टी एक्स, माइनस हाँ साइन ए कॉस फाइव फाइव माइनस क्रॉस ऑफ ए तो टू टू पाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स एक्स। साइन फाइव। वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है बेटा। तो अब इसको हम ये देखेंगे, वाई इक्वल टू, यार देखो साइन वाली टर्म पहली भी है दूसरी भी है, यहां से और यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, साइन कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए वन प्लस ए टू क्रॉस फाइव टाइम्स साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स, हमने ये ले लिया। ठीक है, ऐसे फिर माइनस ए टू साइन फाइव कॉमन क्रॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स, हम इसे ऐसे ले लेते हैं। ऐसे करते हैं क्योंकि ये तो फाई तो फेज डिफरेंस है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ए वन ए टू एम्पलीट्यूड है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो इनको नए कांस्टेंट के तौर पर मान लेते हैं। लेट ए वन प्लस ए टू क्रॉस फाइव, हम इसको कैपिटल ए क्रॉस थीटा ले लेते हैं, और ए टू साइन फाइव कैपिटल ए साइन थीटा ले लेते हैं। ऐसा करिए इनको इक्वेशन टू और इसको इक्वेशन थ्री, सो वाई क्या बन जाएगा बच्चों? ए क्रॉस थीटा इंटू साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स माइनस ए साइन थीटा क्रॉस
टू पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स। तो आप देखिए प्लीज, ए कॉमन आ गया, फिर ये साइन ए क्रॉस बी माइनस क्रॉस है, साइन बी है या नहीं? देखिए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन टू पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स माइनस थीटा। ब्रेकेट हम यहाँ पर लगाए तो ज्यादा सही है, बाकी इसको काट। तो वाई इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर फोर। तो आपने ड्रॉ किया कि ये रिजल्ट भी लगभग वैसा ही आया है जैसा हमने वेव कंसीडर की थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तो एक नई वेव उसी टाइप की बनेगी। अब इस नई टाइप की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमने कैपिटल ए लिया हुआ है, और ए और थीटा नई चीज है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू कितनी आती है। तो पहले ये लिख लेते हैं कि ये भी एक वैसे ही वेव है। सो द रिजल्टेंट वेव, सो द रिजल्टेंट वेव इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक वेव। वेव ठीक है, वैसे ही। अब हम इसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए देखना चाहते हैं। इक्वेशन टू और थ्री को ध्यान से देखिए और सोचिए कि कैपिटल ए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या आपके पास कोई आइडिया है? तो नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, वी डिड स्क्वायर करके जोड़ना है, तो ए वन प्लस ए टू क्रॉस फाइव का होल स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा ए टू साइन फाइव का होल स्क्वायर इक्वल। इधर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर सही बात समझा दी। है? अच्छा, इक्वेशन टू और थ्री को स्क्वायर करके जोड़ना है, टू का स्क्वायर कर लो दोनों साइड, फिर थ्री का फिर ऐड कर लो, तो यही आइडिया है या नहीं? यस अच्छा, क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? अरे भाई ये चित्ता उड़ गया, क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वन होता है, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इधर लिख पाऊंगा, उधर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू क्रॉस फाइव, ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोला पहले को, दूसरा तो ए थ्री है तो ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब ए टू स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर फाइव, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव कितना आ जाएगा? ए टू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, फिर वही क्रॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन, तो ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपका अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 5। ये समझ में आया भी है? केवल आपने यस क्वेश्चन 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड कर दिया बस। तो जो रिजल्टेंट आपके पास आया वो ये इक्वेशन 2 और 3 में आपके पास ए और थीटा आपने नए ले लिए हैं, तो ए क्या है वो निकाल दिया। अब थीटा निकाल रहे हैं, थीटा कैसे निकाले? देखिए इक्वेशन 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो राइट साइड में ए साइन थीटा अपॉन ए क्रॉस थीटा आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा तो थीटा मिल जाएगा। तो अब लिखिएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, वी गेट तो इस साइड कितना था आपके पास ए साइन थीटा अपॉन ए क्रॉस थीटा, और इधर ए वन नहीं उधर क्या था ए टू साइन फाई। कौन ए वन प्लस ए टू क्रॉस फाई, दिस इम्प्लाइज यहां से आपको 10 थीटा इक्वल टू ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू क्रॉस फाइव। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको 5 से ए मिल जाएगा और 6 से थीटा, तो ये फेज एंगल है। तो अब इनको थोड़ा सा स्पेशल परिस्थितियों में देखते हैं कितना कितना आता है। पहले ये बताइए क्वेश्चन 6 तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा तो अब हेडिंग डालिए स्पेशल केसेस, ऐसे कर लेते हैं। नंबर 1, इफ देर इज नो फेज डिफरेंस, अगर कभी ऐसा हो गया कि दोनों वेव एक ही फेज में है तो फिर फाई तो 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो देन अगर फाई 0 होगा तो क्रॉस फाई कितना हो जाएगा? क्रॉस 0, क्रॉस 0 कितना होता है? 1। सो फ्रॉम 5, पांचवी इक्वेशन देखिए प्लीज, कैपिटल ए कितना मिल जाएगा? अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, क्योंकि क्रॉस फाइव तो 1 हो गया। तो बेटा ये ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर है, ये हट जाएगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए वन प्लस ए टू। जब कभी दो वेव एक ही फेज में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सिंपली उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम होता है, सीधे ए वन प्लस ए टू। लेकिन ये हमेशा नहीं है, ये केवल तभी है जब फेज डिफरेंस 0 है, फाइव 0 है। इतना क्लियर हुआ? दूसरा केस मैं इसको, इफ फाइव इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस परिस्थिति में क्रॉस फाइव जो होता है वो -1 होता है। सो ए इक्वल टू हो जाएगा उस परिस्थिति में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस 2a1।
ये ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर है। हाँ बेटा, एट सी याद रखिएगा, कभी भी किसी अंडर रूट एट सी स्क्वायर हो तो आप उसे हमेशा मॉड ऑफ एट्स लिखिए, स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता, ये तरीका होता है। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ए वन माइनस ए टू का मॉड। तो दो वेव अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई के बराबर है, मतलब 180 डिग्री है, तो फिर उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस तरह का आ जाएगा, उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसमें से, ए वन बड़ा है तो ए वन माइनस ए टू, ए टू बड़ा है तो ए टू माइनस ए वन। रिजल्टेंट ही है। यहां तक क्लियर हुआ? यस अच्छा, तो फिर तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। हमने कल इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की रिलेशनशिप देखी थी कल के लेक्चर में। तो सिंस वी नो दैट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हम आई से दिखाते हैं, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को आप ए भी कहते हैं, ट्राई स्क्वायर याद आ रहा है, इससे प्रोपोर्शनल था। यस सो फॉर, तो फिर अगर 5 आपके पास 0 डिग्री था तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। और पाई इक्वल टू 180 को हम पाई भी बोलते हैं, पाई का फेज डिफरेंस होगा, तो इंटेंसिटी विल प्रोपोर्शनल टू ए वन माइनस ए टू स्क्वायर। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सामान्य सा रिजल्ट आ रहा है। तो बड़ी बात है बेटा, अभी देखिएगा, यही असली चीज है। अगर मैं ये कहूं कि ए वन ए टू बराबर है, दो आइडेंटिकल वेव, देन आई पहले केस से मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो मैक्सिमम, दोनों जो ए रख दो, दोनों बराबर है तो मान लो ए है से, मतलब बराबर ही तो है, लेकिन है जितना ए मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर, और आई मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू 2a² 4a² और अगर नहीं, अच्छा ऑल्सो आई मिनिमम दूसरे केस में ए माइनस ए का होल स्क्वायर और आई मिनिमम 0 हो जाए। तो आप ध्यान से समझिए बात को, क्या कह रहे हैं यहां पर, दो वेव अगर सेम एम्पलीट्यूड की इंटरफेयर करती हैं, पहले का एम्पलीट्यूड ए है तो उसकी इंटेंसिटी ए स्क्वायर हो गई, दूसरे की भी ए स्क्वायर, दोनों अगर फेज डिफरेंस 0 के साथ, ध्यान से समझिए, दोनों एक ही फेज में है, ये इंटेंसिटी है दोनों में, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, दो वेव की इंटेंसिटी जुड़ जाती और हम कहते हैं 2a² हो गई, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो रहा है। दो वेव अगर एट ही फेज में है, 5-0 होने का मतलब एट ही फेज में है और सेम एम्पलीट्यूड के हैं, तो उनकी अपनी अपनी इंटेंसिटी जितनी थी वो जोड़ो, इंटरफेरेंस में उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही है आपको, ये गजब चीज है भाई। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4a² के प्रोपोर्शनल है, जबकि पहली वेव की अपनी इंटेंसिटी a² है,
दूसरी टीवी ए स्क्वायर है भाई, तुम दो लाइट वेव को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट 2a² होना चाहिए था, उससे ज्यादा इंटेंसिटी कहां से आएगी और ये लगता है। लेकिन इंटरफेरेंस गजब कंसेप्ट है, आप पहले की इंटेंसिटी ए स्क्वायर बोलते हैं, दूसरी वेव की इंटेंसिटी भी ए स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन रिजल्टेंट 2a² नहीं आता, 4a² आता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर, इंटरफेरेंस सामान्य इंटेंसिटी को जोड़ना नहीं है, बहुत स्पेशल कंसेप्ट है। दो वेव्स का रिजल्टेंट इंटेंसिटी उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का सम नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। अगर केवल सम होता ना बेटा, अगर केवल सम होता तो आई मैक्सिमम प्रोपोर्शनल खाली a1² + a2² होता, लेकिन ना ये जो 2a1 a2 वाला है ना टर्म, असली खेल इसने किया है। हमारे दिमाग में तो यही आएगा भाई, इसकी इंटेंसिटी इतनी है, दूसरे की भी इतनी है। जैसे अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, और मैं ये कह रहा हूं कि यही a1 भी है, यही a2 भी है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाँ a1 + a2 होल स्क्वायर वाला सोचो ना, असली फॉर्मूला तो ये है, पहले जोड़ो फिर स्क्वायर करो। वो a1² जो हो रहा वो 9 है, a2² भी 9 है, तो हमें लगा पहले की इंटेंसिटी ये है, दूसरे की इंटेंसिटी ये है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जोड़कर 18 आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इंटेंसिटी a1 + a2 का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी कुछ ज्यादा नहीं हो रही अलग अलग इंटेंसिटी को जोड़ने से ज्यादा? यस हाँ, क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर, हाँ, और बेटा इंटेंसिटी घटाते समय भी वही हालत है, a1 - a2 होल स्क्वायर, तो वो जरूरत से ज्यादा कम हो जा रही है इंटेंसिटी। बेसिकली इंटेंसिटी जहां पर हमें जितना लगता था उससे ज्यादा हो रही है, बढ़ने में भी और घटने में उससे कम हो जा रही है, a1 - a2 होल स्क्वायर। अगर आप एट की इंटेंसिटी, अगर हम कहें कि एट की इंटेंसिटी 5 है, दूसरे की 3 है, और दोनों फेज डिफरेंस पाई का है, तो इंटेंसिटी का डिफरेंस नहीं आई, ये यहां भी डिफरेंस का होल स्क्वायर है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है उसमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली एनर्जी का क्या होता है? सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एनर्जी दोबारा बढ़ रही है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सही है, और जहां पर जितना हम सोच रहे थे कभी उससे ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम, तो ये क्या है? तो इस आधार पर मैं लिख देता हूं, तो यहां पर लिखिएगा ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट, ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द इंटरफेरेंस इज एक्चुअली रिडिस्ट्रीब्यूशन, इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी।
तो ये एनर्जी का पुनर्वितरण है, रिडिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका आर्टिकल यहां पर पूरा होता है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें इंटरफेरेंस में कुछ और काम करना है, उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, मैथमेटिक्स क्या है? तो वो बाद में करेंगे, नेक्स्ट में 5-15 पे। अभी इतना क्लियर है? यस। कोई दिक्कत इसमें?